आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि नाम से लग रहा है कि ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल होता है उसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कब होती है, क्या कंडीशन इसकी है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, यही समझेंगे आज के वीडियो में। ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे के अंदर अगर कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। मान लीजिए कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस आर है, तो ये पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ पोटेंशियल होगा कूलम कांस्टेंट और चार्ज डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब एक दूसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी अगर आर है तो इसका भी पोटेंशियल होगा कूलम कांस्टेंट क्यू बाई आर। तो इस तरह से अगर हमने आर डिस्टेंस के ऊपर कई पॉइंट कंसिडर किए और सबकी डिस्टेंस आर है तो ये एक स्फीयर बन जाता है। स्फीयर के सेंटर में अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो इसकी सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सब इक्विडिस्टेंट पॉइंट होंगे और सबका पोटेंशियल इक्वल होगा, तो इसे कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये स्फीयर ना होकर मान लीजिए कि एक प्लेन कोई शीट रख दी लाके, यहाँ प्लेन शीट रखी है चार्ज के पास, तो चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसको इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा, इसकी डिस्टेंस मान लीजिए आर वन है, तो यहाँ पोटेंशियल होगा कूलम कांस्टेंट क्यू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस आर वन। और ये डिस्टेंस आर वन है और ये डिस्टेंस से थोड़ी कम है, ये और कम है, तो इस तरह से इसके हर पॉइंट के ऊपर इस चार्ज से डिस्टेंस बदलती जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ की डिस्टेंस है आर टू, तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा कूलम कांस्टेंट क्यू अपॉन आर टू। तो इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इक्विडिस्टेंट नहीं है, सबकी डिस्टेंस अलग अलग है, तो इसका मतलब पोटेंशियल भी अलग अलग होगा क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से सबकी डिस्टेंस अलग अलग होती है, तो ये सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं कहलाएगी। अब माना कि एक सरफेस है, इसके ऊपर हमने चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, तो ये एक डिस्क्रीट नेचर के होते हैं, ये चार्ज सब अपने इक्वली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो इसके ऊपर सब पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास अगर हम दूसरी सरफेस ला के रखें तो जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इस सारे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो ये चूंकि इक्वी डिस्टेंट है सारे पॉइंट, इस चार्ज से सबकी दूरी बराबर है, तो ये सबके ऊपर पोटेंशियल इक्वल होगा, तो ये सरफेस कहलाएगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इससे एक बात और निकल कर आई कि अगर स्फीयर के अंदर चार्ज सेंटर पे रखा है तो इससे निकलने वाली फील्ड लाइन इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होती है, और ये प्लेन सरफेस रखी है अगर हमने पॉइंट चार्ज के पास, तो इससे जो फील्ड लाइन निकल रही है वो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल नहीं है, सिर्फ यही एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी सब एंगल कम या ज़्यादा हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है। और इससे जो फील्ड लाइन निकल रही है ये सब इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, तो जहाँ जहाँ फील्ड लाइन नॉर्मल है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जहाँ नॉर्मल नहीं है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। तो फिर पहली प्रॉपर्टी ये मिली कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चार्ज ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी चार्ज सेंटर में है और ये है स्फीयर। इस स्फीयर की सरफेस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर चार्ज को मूव कराएं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, हमें एक टेस्ट चार्ज को ए से बी तक मूव कराना है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। तो इसके लिए हमको वर्क डन निकालने के लिए पहले हमको यहाँ पोटेंशियल पता हो, फिर इस जगह के ऊपर हम इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे, तब देखेंगे उसमें कितना वर्क करना पड़ा। तो जो ए पर पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से वो होगा कूलम कांस्टेंट, ये चार्ज क्यू
डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस आर यानी इसका रेडियस। अब एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट तक लाए तो हमने कितना वर्क किया, तो वर्क डन होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय ये चार्ज। तो माना ये वर्क डन जो है डब्ल्यू ए है, तो ये हो गया पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल तो ये है 1/4πε0 क्यू बाई आर मल्टीप्लाइड बाई ये चार्ज। इसी तरह हमको निकालना है कि किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा ये होगा कूलम कांस्टेंट क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस आर, क्योंकि रेडियस है ये तो एक स्फीयर है तो ये रेडियस सबका इक्वल होगा। और ये दूसरी बात ये कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो जो पोटेंशियल ए पर होगा वही पोटेंशियल बी पर भी होगा। तो वर्क निकालने के लिए एक इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लाए क्यू नॉट को इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक, तो मान लीजिए ये वर्क हुआ है डब्ल्यू बी, तो ये होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल तो ये हो गया इनटू चार्ज क्यू नॉट हो गया। अब निकालना है कि चार्ज को ए से बी तक लाने में कितना काम करना पड़ा। अब अगर एक चार्ज इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में वर्क करना पड़ा डब्ल्यू वन, उसके बाद इसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करा वो डब्ल्यू टू है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, इस डब्ल्यू टू में से डब्ल्यू वन को माइनस कर देंगे तो डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन। ऐसे ही इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया है वो डब्ल्यू ए है, और इन्फिनिटी से बी तक लाने में जो वर्क किया है वो डब्ल्यू बी है। तो ए से बी तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। तो डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए ये दोनों देखिए इक्वल हैं, तो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए जो होगा वो हो जाएगा ज़ीरो। तो एक प्रॉपर्टी ये मिल गई कि द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर चार्ज को मूव कराते हैं तो वर्क डन ज़ीरो होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की क्या है। मान लीजिए कि दो चार्ज हैं पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी ये पूरी फील्ड के अंदर कहीं भी मान सकते हैं, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये दोनों का रेडियस बराबर है, इस रेडियस को बढ़ाना शुरू कर दें अगर हम और बढ़ाते चले जाएं, तो यहाँ पर दोनों चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी इस चार्ज की वजह से उसका डायरेक्शन होगा ये, रेडियली आउटवर्ड होती है, और इसी तरह से इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो भी रेडियली आउटवर्ड निकलेगी और उसका डायरेक्शन ये होगा। तो एक ही पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकते, तो ये सरफेस जो है ये इसको एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी बल्कि वो इस तरह से हो जाएगी सरफेस। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो दोनों की होंगी वो कुछ इस तरह से जाएंगी कि यहाँ से आने के बाद ये बेंड हो गई लाइन, ये दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया बल्कि ये यहाँ से बेंड हो गई। तो इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तीनों प्रॉपर्टीज हो गई, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरी प्रॉपर्टी है द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो। और तीसरी प्रॉपर्टी है टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।